गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू टी एस एन द स्कूल माइ सल स्वाति महावर आई एम असिस्टेंट टीचर वी आर डॉइंग चैप्टर नंबर फोर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर थर्ड वीडियो है ये टू पार्ट्स वॉज कंप्लीटेड नाउ कम टू द पेज नंबर एटी सॉरी सिक्टी वन सिक्टी कम टू द पेज नंबर सिक्सटी ठीक है थर्ड थर्ड पार्ट है ये सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था ये सारे हमने राइट्स पढ़े थे कि किसकी क्या वर्किंग होती है नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन्स इन दिस एग्जाम्पल वॉट इज़ देयर रोल अभी तो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किसकी बात की थी प्राइम मिनिस्टर की सिविल सर्वेंट्स की और सुप्रीम कोर्ट की कि ये तीन लोग क्या काम करते हैं ठीक है अब दूसरे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी वर्किंग के बारे में हम पढ़ेंगे वर्किंग विथ इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी इंस्टीट्यूशन का जो काम होता है वो इतना ईजी नहीं होता है कोई ईजी टास्क नहीं होता है इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन सभी इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या होते हैं रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कुछ उनकी बाउंडेशंस होती है उस बाउंडेशन के अंदर ही उन रह करके उनको उसमें काम करना पड़ता है दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स ठीक है लीडर्स के हाथ बंधे हुए होते हैं इंस्टीट्यूशनस इन्वॉल्व मीटिंग्स कमिटीज़ एंड रूटीन्स इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या होती है मीटिंग्स होती है कमिटीज़ बनाई जाती है रूटीन्स होते हैं दिस ऑफन लेट्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लीकेशंस जिसकी वजह से जो डिसीजन जो लिए जाते हैं उसके अंदर डिलेज हो जाते हैं या फिर कोई कॉम्प्लीकेशन हो जाती है दे ए फॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन भी फ्रस्ट्रेटिंग कि अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन के साथ में अगर डील कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो उससे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो होता ही होता है वन माइड फील दैट इट इज़ मच बैटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजन विदाउट एनी रूल्स प्रोसीजर एंड मीटिंग ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि एक ही पर्सन सारे डिसीजन ले ले जैसे घर की डिसीजन एक ही पर्सन लेता है ना कोई उनके रूल्स होते हैं ना कोई प्रोसीजर होता है ना कोई मीटिंग्स वगैरह होती है वो पर्सन अपनी मर्जी से अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो खुद ही रूल्स बना लेता है खुद ही सारे डिसीजन ले लेता है बट दैट इज़ नॉट द स्प्रिट ऑफ डेमोक्रेसी लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी है आपसे पूछे बिना आपके लिए कोई डिसीजन ले रहा है क्या ये डेमोक्रेसी है नो सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस बाई इंस्टीट्यूशन आर वेरी यूजफुल ठीक है जो डिलेज और कॉम्प्लीकेशन जो आते हैं इंस्टीट्यूशन के डिसीजन लेने के अंदर वो बहुत क्या होते हैं ज़रूरी होते हैं यूजफुल होते हैं दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं एक पाथ आपको प्रोवाइड किया कराया जाता है जहाँ पर सभी तरह के डिसीजंस क्या किए जाते हैं लिए जाते हैं कंसल्ट किए जाते हैं इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली इंस्टीट्यूशन के अंदर आप जल्दी से क्विकली कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो डिलेज़ होते हैं कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू आ बैड डिसीज़न लेकिन कोई जल्दबाजी में गलत डिसीज़न लेने से तो अच्छा है कि आप अच्छे से टाइम लेके डिले करके कोई डिसीज़न लो ठीक है ताकि उसके अंदर आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन डिसीजन्स इंस्टीट्यूशनस इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो क्या सबसे अच्छा फेवर करती है इंस्टीट्यूशन के डिसीजन को सबसे अच्छा फेवर करती है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्लियामेंट इन द एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के बारे में आपने ऑफिस मेमोरेंडम में पढ़ा था पर हैप्स नॉट नो सिंस दिस डिसीजन वॉज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट यू माइट थिंक दैट पार्लियामेंट हैड रो नो रोल इन इट ठीक है जो मेमोरेंडम बनाया गया था उसके अंदर पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं था कोई काम नहीं था पार्लियामेंट का बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी एंड सी वेदर पार्लियामेंट फिगर्स इन इट लेट अस रिकॉल द पॉइंट्स मेड अर्लियर बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस अब देखो द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वॉज डिस्कस्ड अब जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसको डिस्कस किया गया था प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मैंशन दिस इन हिज प्रेजिडेंट जो था उसने मैंशन किया था उसके अंदर अपने व्यूज मैंशन किए थे उसने द प्राइम मिनिस्टर मेड आ अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या बनाता है डिसीजन्स वॉज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट ठीक है जो डिसीजन्स लिए जाते हैं वो डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं लिए जाते हैं बट पार्लियामेंट्री डिस्कशंस ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुन्स एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन किए जाते हैं जो चीज़ वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं जो टॉपिक डिस्कस किया जाता है वो ही गवर्नमेंट को शेप देता है जो उसका डिसीजन गवर्नमेंट को लेना होता है यानी गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही होती है उसके ऊपर सबसे पहले डिसीज डिस्कशन कहाँ पर होता है पार्लियामेंट के अंदर आया समझ में आप लोगों को दे ब्रॉड प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन ठीक है वो क्या करते हैं गवर्नमेंट को प्रेशर करके रखते हैं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं कि आप मंडल के जो रिकमेंडेशन है जो सुझाव है मंडल के वो आप सुनो और उनको समझो और उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीज़न लो इफ पार्लियामेंट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीज़न अगर पार्लियामेंट किसी डिसीजन के फेवर में नहीं होती है तो गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट तो गवर्नमेंट उस डिसीजन को नहीं लेती है उसके साथ में नहीं जाती है कैन यू गैस वाई क्यू रिकॉल वॉट यू रीड अबाउट पार्लियामेंट इन द अर्यर ठीक है पहले आपने पार्लियामेंट के बारे में क्या पढ़ा है ये हम रिकॉल करते हैं एंड ट्राई टू इमेजिन वॉट पार्लियामेंट कुड हैव डन इफ इट डिड नाट अप्रूव ऑफ द कैबिनेट डिसीजन ठीक है पार्लियामेंट क्या कर सकती है और कैबिनेट के डिसीजन के ऊपर कितना अप्रूवल पार्लियामेंट देती है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट सबसे पहली चीज़ तो ये कि पार्लियामेंट की ज़रूरत हमें क्यों होती है इन ऑल डेमोक्रेसीज एंड असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटि एक्सरसाइजेज सुप्रीम पोलिटिकल ऑथोरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल जितनी भी डेमोक्रेसीज होती हैं जो असेंबली होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की वो क्या करती है सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाती है लोगों के बिहाफ़ के ऊपर ठीक है लोगों के बिहाफ़ पे एक अथॉरिटी बनाई जाती है जिसमें लोगों के पूरे डिसीजंस लिए जाते हैं लोगों के बारे में पूरा उसके अंदर आता है लोग जो बोलते हैं वो सारी सहमति लोगों की उसके अंदर आती है इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ़ इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव इट कॉल्ड पार्लियामेंट ठीक है इंडिया के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए जाते हैं यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनसे क्या बनाई जाती है एक पूरी पार्लियामेंट बनाई जाती है यानी कि लोगों में से ही रिप्रेजेंटेटिव्स चुन करके क्या बनाई जाती है पार्लियामेंट बनाई जाती है एट द स्टेट लेवल दिस इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे उसे क्या कहा जाता है लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली द नेम may वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज हर कंट्री के अंदर लेजिस्टिव असेंबली का नाम अलग अलग होता है बट सच एन असेंबली exists इन एवरी डेमोक्रेसी लेकिन हर डेमोक्रेसी के अंदर इसी तरह की असेंबली होती है इट exercises पोलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल इन मैनी वेज ठीक है पॉलिटिकल अथॉरिटी उनको मिलती है लोगों के बिहाफ पे यानी कि लोगों का सारा डिसीजन इसके अंदर आता है लोग जो जो लोग चॉइस होती है लोगों की लोग लोगों के जो व्यूज़ होते हैं ओपिनियंस होते हैं वो सारे इस अथॉरिटी के अंदर आते हैं नंबर वन पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री किसी भी कंट्री के अंदर लॉज बनाने की फाइनल अथॉरिटी किसको दी जाती है पार्लियामेंट को दी जाती है दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज़ आर कॉल्ड लेजिस्लेचर ठीक है ये लॉ मेकिंग यूनिट होती है इसलिए इसको क्या कहा जाता है लेजिसलेचर्स कहा जाता है पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी पार्लियामेंट है वो नए लॉज बनाती है चेंज एग्जिस्टिंग लॉज जो लॉज चल रहे हैं उनको चेंज करती है और एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज या फिर एग्जिस्टिंग जो भी लॉज हैं उनको हटाना चेंज करना ख़त्म करना ये सारा काम किसका होता है पार्लियामेंट का होता है ठीक है सेकेंड पॉइंट पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर पार्लियामेंट का काम क्या होता है जो गवर्नमेंट रन कर रही है जो गवर्नमेंट चल रही है उस गवर्नमेंट को कंट्रोल करना इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज़ डायरेक्ट एंड फुल इंडिया के अंदर ये जो फुल कंट्रोल ये जो कंट्रोल है पार्लियामेंट का जो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल है वो फुल है पूरी तरीके से गवर्नमेंट को कंट्रोल कौन करती है पार्लियामेंट करती है इंडिया के अंदर दोज रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे एन्जॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट ठीक है जो गवर्नमेंट चला रहे हैं जो सरकार चलाते हैं मिनिस्टर्स वो डिसीजन लेते हैं वो किसके सपोर्ट पे लेते हैं पार्लियामेंट के सपोर्ट पे लेते हैं अगर पार्लियामेंट उनको किसी डिसीजन को लेने के लिए मना कर देती है तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती गवर्नमेंट की कि वो उस डिसीजन को ले लें थर्ड पॉइंट पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव पार्लियामेंट क्या करती है जो गवर्नमेंट के पास जितना भी सारा पैसा होता है उस पूरे पैसे को कंट्रोल करती है इन मोस्ट कंट्रीज़ द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली बाय पार्लियामेंट सेंक्शंस ठीक है बहुत सारे कंट्रीज के अंदर क्या होता है पब्लिक मनी जो होता है वो पूरा किसके थ्रू किसके सेंशन के थ्रू खर्च किया जाता है पार्लियामेंट के सेंक्शंस के थ्रू यानी पार्लियामेंट की मर्जी के बिना उस पैसे को खर्च नहीं कर सकती गवर्नमेंट समझ में आया ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पार्लियामेंट के बारे में तो आप लोगों को ये लर्न करने हैं ठीक है थीके? ये सेकेंड पॉइंट ये वाला और थर्ड पॉइंट ये नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज फोर्थ पॉइंट पार्लियामेंट इज़ द हाइस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट डिस्कशन और डिबेट की हाईएस्ट जो सबसे बड़ी जो फोरम है वो क्या है पार्लियामेंट है ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री किसी भी कंट्री की नेशनल पॉलिसी अगर बनानी है या कोई पब्लिक इशू सॉल्व करना है तो सबसे ज़्यादा डिस्कशन कहाँ किया जाएगा पार्लियामेंट में किया जाएगा पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर किसी भी मैटर पे पार्लियामेंट अपनी सोच दे सकती है अपने डिसीजन वो दे सकती है अपनी राय वो दे सकती है ऐसा नहीं है कि वो कुछ लिमिटेड मैटर्स के ऊपर ही अपनी राय दे सके नेक्स्ट है टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट सिंस पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल ऑफ पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स ठीक है अब पार्लियामेंट की पावर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दे आर कॉल्ड चैम्बर्स ऑन हाउसेज और इन्हें क्या कहा जाता है चैम्बर्स या हाउसेज वन हाउस इज़ यूजली डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पा ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल एक हाउस जो होता है वो टोटली किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और रियल पावर इसकी किसके हाथों में होती है लोगों के हाथ में होती है पब्लिक के हाथ में होती है द सेकेंड हाउस इज़ यूजली इलेक्टेड इनडिएक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन जो दूसरा हाउस होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और कुछ स्पेशल फंक्शन ही वो फॉलो करता है द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स रीजन्स एंड फेडरल यूनिट अब सेकेंड हाउस का जो काम होता है वो सिर्फ क्या होता है स्टेट्स का ध्यान रखना रीजन्स का और जो फेडरल यूनिट्स हैं उनका ध्यान रखना आया समझ में इन अ कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस हमारे कंट्री में पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं द टू हाउसेस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ द पीपल एक तो हाउस है राज्यसभा जिसे क्या कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा हाउस कौन सा है लोकसभा जिसे क्या कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट अब जो प्रेसिडेंट है वो क्या है पार्लियामेंट का ही पार्ट है ऑल दो शी इज़ नॉट अ मेंबर आइदर हाउस वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है वो सिर्फ पार्लियामेंट का क्या है एक पार्ट है दैट इज़ वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउसेज कम इन टू फोर्स ओनली आफ्टर द रिसीव द असेंट टू द प्रेजिडेंट इसलिए जितने भी लॉज पार्लियामेंट के अंदर बनाए जाते हैं हाउसेज के अंदर जो लॉज बनाए जाते हैं उसके ऊपर प्रेजिडेंट के साइन होना क्या होता है बहुत ज़रूरी होता है अगर प्रेजीडें प्रेजिडेंट का किसी रूल के ऊपर साइन नहीं होता तो वो आगे फॉलो नहीं किया जाता है आया समझ में यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस इंडियन पार्लियामेंट के बारे में आपने पढ़ा है फ्राम द चैप्टर थ्री यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस चैप्टर थर्ड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से लोकसभा के इलेक्शन होतेटर सी कॉल सम की डिफ्रेंसिस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दीज टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट दोनों हाउसेज के मैंबर्स क्या होते हैं अलग अलग होते हैं आंसर द फॉलोइंग फॉर द लोकसभा एंड द राज्यसभा अब राज्यसभा और लोकसभा के कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि वॉट इज द नंबर ऑफ द मैंबर मेंबर्स हु इलेक्ट द मेंबर्स कितने नंबर मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कौन उनको इलेक्ट करता है कितने टाइम के लिए रहते हैं और किस तरीके से हाउसेस पूरे डिजोल्व कर दिए जाते हैं समझ में आया आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन हैं इसके हमने चैप्टर थर्ड के अंदर पढ़ा था इनके आंसर्स अब ये आपका क्या कम्प्लीट हो गया थर्ड पार्ट कम्प्लीट हो गया इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम फोर्थ पार्ट में रिमेनिंग कंटिन्यू करेंगे समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप लोग पार्लियामेंट का क्या रोल है प्रेसिडेंट का क्या रोल है प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम स्टे सेफ